यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो देखिए, नेक बनाने के लिए हम कुछ लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो तरह की लेस ली हुई है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी कुर्ती है जिस पे हम नेक बनाएंगे। और ये मैंने कैनवास पेपर लिया है, आप इसको फ्यूज पेपर भी बोल सकते हो। और ये मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है प्रेस से। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता दूँ। देखिए, इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 11 इंच रखी है, आप देख सकते हैं। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 5.5 इंच रखी है, आप 5 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम इसको ऐसे सीधी साइड से रखेंगे और इस पे हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। और नीचे की तरफ एक साइड में हमको 3 इंच रखना है और बाकी हम 2-2 इंच पे निशान लगा के ऐसे सीधा कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, हम इस पे लेस अटैच करेंगे। लेस के दोनों साइड में हम सिलाई लगाएंगे। और देखिए, इस तरह से मैंने ये लेस अटैच कर ली है। अब हम दूसरी वाली लेस को भी इसके बराबर में यहाँ पे रखते हुए अटैच कर लेंगे। और देखिए, इस तरह से हम दूसरी वाली लेस को भी नीचे तक अटैच करेंगे। ये हमने अपनी दूसरी वाली लेस भी अटैच कर ली है। अब हम अपनी कुर्ती को लेंगे। तो देखिए, ये इसकी सीधी साइड है और नीचे की तरफ इसकी उल्टी साइड है। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम नेक की लंबाई है जो 7.5 इंच रखेंगे। इसके बाद हम इस पैटर्न को लेंगे और इस पैटर्न पे भी हम ऊपर 1.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इस 1.5 इंच वाले निशान को हम इससे मिलाते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। हम इसको ऊपर इसलिए रखते हैं कि गला अटैच करते समय हमारा पैटर्न बाहर की तरफ ना निकले, पूरा गले में अंदर की तरफ दब जाएगा। तो इसलिए हम 2 इंच, 1.5 से 2 इंच ऊपर चढ़ा के रखते हैं इसको। अब हम देखिए, यहाँ पे इस गोटे को यहाँ पे रखते हुए और इस पैटर्न पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इसका हम कॉर्नर बनाएंगे। तो इस तरह से मोड़ते हुए इसका कोना बनाना है आपको। और यहाँ पे हम इधर सिलाई लाएंगे और फिर हम सिलाई को वापस इधर मोड़ते हुए और इसको यहाँ पर भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पे भी हम इसका ऐसे कोना बना के और इस पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। और देखिए, अब हम दूसरी साइड में भी इस पे सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद अब हम ये दूसरा गोटा भी इसमें इसी तरीके से अटैच कर लेंगे इसके चारों तरफ। और
और देखिए इस वाले गोटे पे भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम थोड़ी एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस पे लगा लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपना पैटर्न इसमें अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसका नेक बनाएंगे, तो आप इसमें कोई भी शेप में नेक बना सकते हो। मैं वी शेप का नेक बनाऊंगी। अगर आपको नेक की कटिंग करना नहीं आता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप दो तीन तरीके से नेक की कटिंग करना सीख सकते हैं। तो ये सिंपल ही नेक है इसलिए मैंने इसकी कटिंग नहीं बताई है। अब मैं इसको यहाँ पर अटैच करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक सिलाई हम बीच सेंटर में लगाएंगे और इस पे हम यहाँ पे बुकरम के नीचे नीचे सिलाई लगा के और अंदर से कपड़े की कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। हमें यहाँ से कपड़े की कटिंग करके और फिर मैं इसको फोल्ड करके, या तो आप इस पे सिलाई लगा लें या फिर आप इस पे तुरपाई कर लें। तो देखिए मैं इसको सीधा करके सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने नेक पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है और ये नेक हमारा कंप्लीट है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पे लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, उससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।